हेलो एवरीवन, वेलकम द यूनिट थर्ड ऑफ वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सेकंड। यूनिट थर्ड जो है वो आपका है स्पिल वे। ओके, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड हमने अच्छे से इन दोनों को डिस्कस कर लिया है, इन दोनों बारे में हमने ठीक से पढ़ भी लिया है। और मिड टर्म एग्ज़ाम की जब आपने प्रिपरेशन की होगी तो आपने उस टाइम भी यूनिट फर्स्ट और सेकेंड को अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ भी लिया होगा। ओके, तो यूनिट थर्ड जो है वाटर रिसोर्स सेकंड का, वो है स्पिलवे। यानी कि यूनिट फर्स्ट में जो आपने पढ़ा था ग्रेविटी डैम और यूनिट सेकंड में जो हमने पढ़ा था अर्दन डैम, तो उन दोनों डैम के केस में आपने क्या पढ़ा कि उनको वाटर कैसे स्टोर करते हैं और डैम के स्टेबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ग्रेविटी डैम की जो स्टेबिलिटी है उसको हमने डिस्कस किया था। ओके, और उनके उस पर जो फोर्सेस लगते हैं ग्रेविटी डैम पे डिफरेंट उनको हमने डिस्कस किया था, और अर्दन डैम पे जो फोर्सेस लगते हैं उनको डिस्कस किया है। अब अर्दन डैम कैसे फेल होता है, उसके क्या रेमेडीज़ हैं, उसमें फिल्टर हम लगाते हैं डाउन स्ट्रीम में, फाउंडेशन से जब सीपेज होगा तो कौन सा फिल्टर यूज़ करेंगे, और डैम की बॉडी से जब फिल्टर होता है, जब वाटर सीपेज होता है तो कौन सा फिल्टर यूज़ करते हो, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। तो यूनिट थर्ड में जो बेसिकली जो हमारा मेन पार्ट है वो है कि जितना भी रिजर्वायर में वाटर स्टोर जो हुआ है, उस वाटर अगर वो वाटर उसकी कैपेसिटी से ऊपर फिल हो गया या जो सरप्लस वाटर है उस सरप्लस वाटर को कैसे डिस्चार्ज करोगे, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं स्पिल वे। और स्पिल वे के डिफरेंट कैटेगरी है और उन कैटेगरी को कब आप यूज़ करोगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्पिलवे सिंपल क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कि डैम की बॉडी में ही इंस्टॉल होता है और जो सरप्लस वाटर को डिस्चार्ज करेगा, यानी कि उसको रिड्यूस करेगा सरप्लस वाटर को। तो टाइप्स ऑफ स्पिलवे की अगर बात करें तो फर्स्ट है ड्रॉप स्पिलवे, सेकंड ऑकी स्पिलवे, थर्ड है साइफन, फोर्थ है शूट और ट्रफ स्पिलवे, फिफ्थ है सॉफ्ट स्पिलवे एंड सिक्स्थ है साइड चैनल स्पिलवे। ओके, तो जो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ड्रॉप स्पिलवे के, ड्रॉप स्पिलवे में सिंपल क्या होता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन डैम भी हो सकता है और ये अनकंट्रोल्ड स्पिलवे होता है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है आपके पास कि इस वाटर को कब रिड्यूस करना है और कब उसको रिड्यूस ना करें या कितना अमाउंट ऑफ वाटर आप डिस्चार्ज करोगे, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है यहाँ पे। तो ड्रॉप स्पिलवे में सिंपल क्या होता है, ये डैम है यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन ये है और यहाँ पे मैक्सिमम पूल वाटर यहाँ पे आता है, जैसे ही इससे वाटर ऊपर लेवल जाएगा तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर लेगा। तो ये ड्रॉप स्पिलवे। इसका जो सेकंड पार्ट जो होता है वो ये होता है कि इसमें एक नोच बन जाता है आगे से। ओके, एक नोच से बन जाता है और नोच का जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि जो भी वाटर डिस्चार्ज होगा वो डैम के बॉटम पे यहाँ पे नहीं होगा, फाउंडेशन के पास में वो यहाँ जाके कहीं डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ से जब वाटर आएगा तो वाटर डिस्चार्ज कहीं इधर पे होगा। ओके, तो उससे क्या होगा, इसका एडवांटेज ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डैम का फाउंडेशन है यहाँ पे, तो अगर वाटर यहाँ पे ड्रॉप करेगा तो कहीं ना कहीं वो जहाँ पे जो सॉइल है फाउंडेशन में उसको इरोड करेगा, टाइम फिनोमेना है, ठीक है। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, इसका फाउंडेशन का इरोजन स्टार्ट कर लेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डैम के फाउंडेशन पे डिस्चार्ज ना हो तो हम उसको दूर पे डिस्चार्ज करेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे नोच एक प्रोवाइड किया हुआ है। तो दोनों ही केसेस जो हैं ये ड्रॉप स्पिलवे के केसेस हैं और ड्रॉप स्पिलवे भी एक अनकंट्रोल्ड स्पिलवे है। अनकंट्रोल्ड यानी कि यहाँ पे आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है वाटर का जो डिस्चार्ज है उसको मेंटेन करने का। ओके, सेकंड है ओगी स्पिलवे। ओगी स्पिलवे में क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास ये डायग्राम देख लो, यहाँ से इसको हम समझ लेते हैं, बाकी थ्योरी वाला पोर्शन आप जैसे ही पढ़ोगे आपको सब चीज़ क्लियर होता रहेगा। अभी हम सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं डायग्राम देख देख के, उसको समझ के, कि प्रैक्टिकली आपको ऐसा पूरा फील हो जाए कि हाँ कि ये स्पिलवे किस पर्पज़ के लिए होता है। अगर हम बात करें ऑगी स्पिलवे की तो उसमें ये होता है कि आपके पास यहाँ पे जो ये जो वाटर है वो सडन ड्रॉप नहीं होता है, वो इसके टॉप सरफेस से होते हुए और यहाँ पे एंड पे उन्होंने यहाँ पे देखो नोच दे रखा, प्रोवाइड कर रखी नोच, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सेकेंड है,
ये थर्ड है। तो वाटर जो भी आएगा वाटर इसके सरफेस से आएगा और यहाँ पे नोज पे इसको एक जंप मिलेगा, जंप से ये यहाँ पे जाके ड्रॉप होगा। तो इसका पर्पस क्या है, ऑगी स्पिलवे इस तरह से बनाते हैं, देख लीजिए इसका जो टॉप सरफेस है, जो क्रस्ट है इसका लेवल है वो इस तरह से होता है, यहाँ पे गेट लगते हैं। तो जो ऑगी स्पिलवे है वो कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड दोनों तरीके के हो सकते हैं। ओके, अगर ये कंट्रोल्ड है तो यहाँ पे गेट लगा होगा, डिफरेंट टाइप से गेट लगा होगा, जो अभी टाइप्स ऑफ गेट आप पढ़ोगे उसको गेट ओपन होगा। तो ये कितना गेट ओपन करना है वो डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्चार्ज करना चाह रहे हो, जो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है कितना वाटर डाउनस्ट्रीम में रिक्वायरमेंट है, या फ्लड आ गया है इनकेस डैम में तो आपको गेट क्लोज करना है, या फ्लड ज़्यादा है तो आपको वाटर कुछ रिलीज करना होता है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आप गेट डिज़ाइन करोगे, गेट भी उतने उसके अकॉर्डिंग आप ओपन करते रहोगे। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट जो भी इस पिलर में लगेंगे उसको हम इसी में ही डिस्कस करेंगे आगे यूनिट में। ओके, तो उसको जैसे ही ओपन करेंगे तो वाटर यहाँ से डिस्चार्ज होते हुए डाउनस्ट्रीम में जाएगा। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसके सरफेस से होते हुए जाएगा, इसका डिज़ाइन ऐसा बनाते हैं कि सरफेस से टच होते हुए जाएगा और लास्ट में क्या होगा, एक ऐसा जंप प्रोवाइड करेंगे। तो जब भी वाटर यहाँ से आएगा तो वो जंप करके कहीं दूर जाके ओके डिस्चार्ज होगा, इस तरीके से जंप होगा, वाटर यहाँ से आया और ये यहाँ जाके डाउनवर्ड यहाँ जाके डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पे जो डैम का जो फाउंडेशन है यहाँ पे कोई भी उसका इरोजन नहीं होगा। ओके, ये ड्रॉप नहीं है, ये ऑगी स्पिलवे है। ऑगी स्पिलवे देख लो ध्यान से किस तरह से बना हुआ है, ये राउंडेड है इसके क्रस्ट से, ये क्रस्ट इसका राउंडेड है और यहाँ पे इन्होंने एक ग्रेजुअली यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में एक दे रखा है ये वाला पोर्शन। तो इस पोर्शन से होते हुए जाएगा जो वाटर जो भी होगा, वरना ड्रॉप स्पिलवे इस तरह से होता है, सडन काफ़ी स्टीप होता है ये वाला, वाटर आया डायरेक्ट ड्रॉप कर गया। ओके, ये है ऑगी स्पिलवे। शूट एंड ट्रफ स्पिलवे, इसका पर्पस है कि जब भी किसी डैम में कोई प्रॉपर लोकेशन या प्रॉपर स्पेस नहीं है स्पिलवे को इंस्टॉल करने के लिए, तो उस केसेस में क्या होता है, शूट स्पिलवे, ट्रफ स्पिलवे को कहते हैं, ट्रफ स्पिलवे का यूज़ करते हैं यहाँ पे, साइड चैनल स्पिलवे भी इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये डैम के साइड में होता है, डैम की बॉडी में नहीं होता है। ये डायग्राम जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इमेज जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये इमेज है टीरी डैम की। तो टीरी डैम में जो स्पिलवे इंस्टॉल किया हुआ है, दो तरह के इंस्टॉल हो गए, दो तरह के इंस्टॉल हैं वहाँ पे स्पिलवे। जो पहला स्पिलवे है वो है ट्रफ स्पिलवे, जो सेकंड स्पिलवे वहाँ पे इंस्टॉल हो रखा है वो है मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे। तो मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे कैसे वर्क करता है इसको हम आगे इसी यूनिट में डिस्कस करेंगे, ओके इसी लेक्चर में। तो यहाँ पे देखो ये है ट्रफ स्पिलवे, इसमें ये क्या होता है, ज़्यादा स्टीप नहीं होता है ये कंपेयर टू ऑगी स्पिलवे, और यहाँ पे ये जैसे ही वाटर यहाँ डाउन स्ट्रीम में वाटर आता है तो यहाँ पे टेल वाटर नीचे प्रोवाइड करते हैं कि डैम का जो फाउंडेशन है या जो स्पिलवे का जो बेस है उसका इरोजन ना हो। ओके, इसको आप इंस्टॉल करोगे जब प्रॉपर लोकेशन या प्रॉपर स्पेस डैम की बॉडी में नहीं है, तो हम इसको डैम से थोड़ा दूर जाके वहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। साइड चैनल स्पिलवे, इसका यूज आप तब करते हो जब प्रॉपर स्पेस नहीं होता है डैम में, ये भी दूसरा एक केस बनता है। ओके, इसमें होता क्या है, देखो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ से भी वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, इस पोर्शन से भी वाटर डिस्चार्ज हो रहा है और इस पोर्शन से भी वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऐसे ही एक पोर्शन ऐसे इधर भी है। ओके, यानी कि ये पोर्शन ऐसे बना हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, तो वाटर डिस्चार्ज यहाँ से भी हो रहा है, वाटर डिस्चार्ज यहाँ से भी हो रहा है, ये अपस्ट्रीम फेस है यानी कि ये रिजर्वायर है यहाँ पूरा, वाटर डिस्चार्ज यहाँ से भी हो रहा है, फिर वाटर डिस्चार्ज यहाँ से भी होगा इस तरह से और यहाँ से भी वाटर डिस्चार्ज होगा, यानी कि इतने स्पेस में अगर आप देखें कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना डिस्चार्ज हुआ है तो ये लेंथ बन गया टोटल, ये लेंथ में पूरा डिस्चार्ज हो रहा है, इस लेंथ में पूरा डिस्चार्ज हो रहा है, इस लेंथ में डिस्चार्ज हो रहा है, इस लेंथ में भी डिस्चार्ज हो रहा है। और अगर आप सिंपल स्पिलवे की बात करते हैं तो अमाउंट जो होना था इसी लेंथ में ही डिस्चार्ज होना था, क्योंकि वाटर को डिस्चार्ज ज़्यादा मैक्सिमम करना होता है, तो उस केस में आपको लेंथ जो है स्पिलवे का जो लेंथ है वो मैक्सिमम चाहिए होगा,
अगर आपको डिस्चार्ज मैक्सिमम करना है वाटर का, और उसमें अगर अमाउंट जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग स्पेस वहाँ पे नहीं है, तो उस केसेस में आपको लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। तो लेंथ बढ़ाने का एक तरीका जो है इसको जिगजैग फॉर्म में बनाना है, इसको जिगजैग फॉर्म में जैसे आप बनाओगे तो उससे क्या होगा, लेंथ बढ़ जाएगा क्रस्ट का, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स हो गया इस लेंथ का। तो उससे क्या होगा कि जितना लेंथ ज़्यादा होगा उतना डिस्चार्ज भी ज़्यादा आएगा। साफ्ट मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे, इसमें क्या होता है कि जैसे ये रिजर्वायर है तो रिजर्वायर के अगर प्रॉपर जो आपने स्पिलवे डिज़ाइन किया हुआ है बट वो एडिक्वेट नहीं है कि इतने अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्चार्ज कर सके, तो उसके लिए आपको डैम के बीचों बीच में क्या करना है, एक मॉर्निंग ग्लोरी टाइप का और यहाँ पे एक साफ्ट जुड़ा होता है साफ्ट, तो जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर आएगा तो जैसे ही अमाउंट जो ऐसे जैसे ही रिजर्वायर का लेवल ऊपर बढ़ेगा तो जो वाटर है वो इसमें सबमर्ज होगा और जो साफ्ट है वो डाउनस्ट्रीम में कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा। तो जितना भी यहाँ पे देख लो आप, ये भी जो मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे है ये भी टीरी डैम में इंस्टॉल हो रखा है। तो इसको आप कब यूज़ करते हो, जब स्पेस ना हो रिजर्वायर की या डैम की बॉडी के आसपास कहीं पर भी कि वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए रिजर्वायर के बीचों बीच इसको बनाते हैं। इसका लेवल जो है इसका टॉप लेवल होता है वो एक लिमिट तक, एक सर्टेन लिमिट तक रिजर्वायर की जो हाइट है उससे ऊपर होता है। तो जब भी डैम का जो वाटर है, जो वाटर लेवल राइज करेगा, जैसे वाटर लेवल राइज करेगा तो अल्टीमेटली जो वाटर राइज किया है सरप्लस वाटर जो होगा, सरप्लस वाटर इसमें सबमर्ज हो जाएगा। सरप्लस वाटर जैसे ही इसमें आएगा, इसमें साफ्ट जुड़ा हुआ, इस तरह से साफ्ट लगा हुआ, साफ्ट कहाँ है, डाउन स्ट्रीम को जा रखा है, क्योंकि वाटर का जो डिस्चार्ज है डाउन स्ट्रीम में ही होना है कहीं ना कहीं, तो डाउन स्ट्रीम में इसका कनेक्ट हो रखा है और इसके बाद जो अमाउंट है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वो डाउन स्ट्रीम को रिलीज हो जाएगा। ओके, तो ये मॉर्निंग ग्लोरी स्पिल वे भी टीरी डैम में इंस्टॉल हो रखा है। नेक्स्ट है साइफन स्पिल वे। साइफन स्पिल वे का यूज देखो कब होता है कि जब क्या होगा, इसमें एक साइफन जुड़ा होता है इसमें, जैसे ये आपने देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है आपको कि इस तरह से एक स्पिल वे है, यहाँ से ये ऐसे होके ऐसे ही है। ओके, अब ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एक लेवल तक बढ़ेगा यहाँ पे तक, तो ये क्या होगा, ये वाटर यहाँ आ जाएगा, तो ये वाटर यहाँ आने के बाद ये वाटर डाउन स्ट्रीम में डिस्चार्ज कर लेगा। तो साइफन जुड़ा होता है इसमें एक, तो साइफन की हेल्प से क्या होता है कि जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एक सर्टेन लिमिट के बाद जब राइज करेगा तो वह एक्स्ट्रा वाटर जो होगा वो डाउन स्ट्रीम को आ जाएगा। ओके, तो ये थे टाइप्स ऑफ स्पिल वे, डिफरेंट साइफन हो गया, साफ्ट यानी कि मॉर्निंग ग्लोरी स्पिल वे हो गया, ओके, साइड चैनल स्पिल वे हो गया, ट्रफ स्पिल वे हो गया, ऑगी स्पिलवे एंड ड्रॉप स्पिलवे। ड्रॉप स्पिलवे भी टू टाइप्स के होते हैं, एक नॉच वाला एक अननॉच वाला। ऑगी स्पिलवे भी कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड, और ड्रॉप भी कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड दोनों स्पिलवे होते हैं। ओके, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसको डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या फॉर्मूला आप यूज़ करोगे और इसके जो डिस्चार्ज है कितना वाटर डिस्चार्ज हो सकता है किस स्पिलवे से, उसको फॉर्मूले की हेल्प से हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। Okay, thank you.